सावन का तीसरा सोमवार हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में पंचमुखी हनुमान जी लक्ष्मण डूंगरी दिल्ली रोड जयपुर के महंत श्री रामगज महाराज ने करीबन पर्यावरण को बचाते हुए 3000 वृक्ष लगाए। उनके चेले चांपा टू ने वृक्ष लगाने में योगदान दिया। श्री दौलत सैनी लालचंद सैनी कमलेश प्रजापत मंदिर के महामंत्री रिलेशन भारद्वाज ने बताया कि सावन मास के अंदर मंदिर प्रांगण में कम से कम 3000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज के दिन हरियाली मावस कहा जाता है। कहते हैं कि हरियाली मावस के दिन अगर बरसात आती है और वृक्षारोपण किया है तो बरसात के लिए बहुत बड़ा शुभ रहता है। और इस बात मेरे साथ आज रामदास जी महाराज भी हैं जिन्होंने आज अपने मंदिर प्रांगण के अंदर वृक्षारोपण किया गया है। मैं महाराज श्री से आज हरियाली मावस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन हरियाली मावस को क्यों शुभ माना गया है। महाराज श्री मुझे एक से ये बताया कि आज हरियाली मावस के दिन इस हरियाली मावस को शुभ क्यों माना जाता है। हरियाली के प्रति पेड़ रहे तो पेड़ बचेंगे तो अपने बचेंगे तो पेड़ लगाने के लिए हरियाली रहेगी तो हरियाली नहीं रहेंगे तो अपने पेड़ कभी भी लगा सकते हैं। पर्यावरण उसको भी हमने पेड़ लगाए थे यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कभी भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। मंत्री महोदय आप ही बताएं कि हरियाली मावस के दिन क्यों शुभ माना गया है। अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये माह जो है शिव जी का दिन बहुत ही अलग अलग उनका उल्लेख किया गया है। मावस का अपना एक अलग ही महत्व है और वो भी हरियाली मावस सावन की मावस। इस दिन पर्यावरण के लिए कि पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ जल्दी विकसित होते हैं इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। मंडल जी महाराज ने उन मंत्रिमंडल के उनके अधिकारी ने ये भी बताया है कि हरियाली मावस के दिन पेड़ लगाने से जीवन के अंदर सबसे बड़ी हरियाली रहती है। और ये भी बताया गया है कि हरियाली मावस के दिन जितने भी पेड़ लगाते हैं हमारे को उससे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और पर्यावरण भी सही रहता है। जयपुर से भूपेंद्र सिंह सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज।